हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ पिंक सॉस पास्ता, जो बहुत ही आसान है, जल्दी से बन जाता है। मैंने प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को कट कर लिया है छोटा छोटा, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, 2 टेबल स्पून मान लो आप, टीस्पून मान लो। तो प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, मैं बाकी सब्जी रेडी कर रही हूँ, गाजर, शिमला मिर्ची और हरा प्याज भी है। और आप चाहो तो अपनी मनपसंद सब्जियां इसमें डाल सकते हो, जो आपको पसंद है। और प्याज जब थोड़ा सा सॉसे हो जाए तो आप सारी सब्जियां इसमें मिला दो। सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहने दीजिएगा, ताकि स्वाद जो है अच्छा आता है। और कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है, फटाफट बन जाता है। बस आप पास्ता को बॉईल करके रख लो। मैं पानी जब टोपे में चढ़ा देती हूँ और एकदम गर्म हो जाता है, तब उसमें नमक और थोड़ा सा तेल ऐड कर देती हूँ और पास्ता डाल देती हूँ, और 5 से 7 मिनट में पास्ता बॉईल हो जाता है। अब देखिए, मैंने इस सब्ज़ी में नमक ऐड कर दिया है, ताकि थोड़ा सा सब्ज़ी सॉसी हो जाए। तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा मिलाती नहीं हूँ नमक ऐड करके, इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्ची ऐड करती हूँ, बाकी तो जो सॉस होती है वही ऐड करती हूँ। सॉस मैं पहले से बना के रख लेती हूँ, ताकि काम जो है आसान हो जाए। ये चिली सॉस है जो मैंने, चिली सॉस मान लो या चिली पास्ता सॉस मान लो, ये मैं घर पे बना के रखती हूँ, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ, बाहर का नहीं लेके आती हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच ऐड कर दी है, और आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हो। मेरा इसमें हो गया, तो मैं 2 चम्मच ऐड कर दी, अगर लगेगा तो मैं और इसमें ऐड करूँगी, अभी इतना इनफ है। तो सब्जियों के साथ में सॉस मिक्स हो गई है। अब इसमें वाइट सॉस या चीज़ सॉस जो भी आप बोलते हो, वो मैं बना के रखी हूँ अलग से, वो भी ऐड करूँगी, और जो रेडीमेड आती है चीज़ सॉस वो भी ऐड करूँगी, दोनों ऐड करूँगी मैं इसमें। मेयोनीज़ मेरे पास नहीं है, मेयोनीज़ हो तो आप 1-2 चम्मच वो भी ऐड कर सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है। अब सब्ज़ी थोड़ी सी सिक जाए तो आप इसमें, ये चीज़ सॉस है मार्केट वाली, वो मैं ऐड कर रही हूँ। फटाफट बनाना हो तो आप खाली चीज़ सॉस और चिली सॉस जो आती है मार्केट में, उससे भी आप बना सकते हो, आपको कोई सॉस अगर नहीं बनाने का मन हो तो, और फटाफट बनाना हो तो। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप घर पर भी ये चिली सॉस और वाइट सॉस जो है, वाइट सॉस बनाना भी बहुत आसान है, आप बना सकते हो। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप बोल देना, मैं बता दूँगी। तो अब मैं, आप देख सकते हो मैंने इसमें दोनों सॉस मिला दी है, और ये स्लरी तैयार करके रखी है मैंने मैदा और दूध की, जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा, थिकनेस आएगा जिससे पास्ता में। तो 2 चम्मच मैदा है और 4-5 चम्मच दूध है, उसमें मैंने मैदे को मिला दिया है और इसमें अब मिक्स कर दिया है। अब धीरे धीरे इसको चलाते रहिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि छोड़ दोगे तो इसमें लम्स पड़ जाएगा, इसीलिए इसको चलाते रहिए। चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा, और आप ग्रेवी को अपने टेस्ट अनुसार रख सकते हो, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद होती है, किसी को नहीं। तो मैं अभी थोड़ा सा कम ग्रेवी वाला बना रही हूँ, ज़्यादा ग्रेवी वाला मैं नहीं बना रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दूँगी, ताकि क्या है, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने ना चीज़ ऐड नहीं की है दोस्तों, चीज़ विदाउट चीज़ मैंने ये पास्ता बनाया है, और आपको चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ मैं ऊपर से, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। और काली मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी थी, काली मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार ऐड कर लेना, कम ज़्यादा जिस हिसाब से आपका टेस्ट हो। फटाफट बन जाता है, जब खाना बनाने का मन नहीं हो तो आप इसको तुरंत बना सकते हो और खा सकते हो गरम गरम। इसको गरम गरम खाइएगा, बना के मत रखिएगा, जब आपको खाना हो उसी समय इसको तुरंत बना लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में आपका पूरा पास्ता रेडी हो जाएगा। अब देखिए ग्रेवी अच्छे से बन गई है। अब अगर आप भी, आप चाहो इस लेवल पर आप पतला करना, तो इसमें और मिल्क ऐड करके, या फिर जो मैदा की जो स्लरी है उसको ऐड करके आप इसको और पतला कर सकते हो। मुझे इतनी पसंद है तो मैं अभी इसको और पतला नहीं करूँगी। और ये रेडी हो गई है, मैं इसको देख रही हूँ कि रेडी हुई है कि नहीं। रेडी हो जाएगी तब मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी, जो मैं पहले बॉयल करके रखी हुई हूँ। मैंने आपको बताया मैंने कैसे बॉयल किया था, उसी हिसाब से करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता है, और कच्चा रह जाता तो भी अच्छा नहीं लगता। तो इस हिसाब से, इस तरह से मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले ही, और अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी रखनी नहीं है, थोड़ा सा मुझे ड्राई रखना था, तो मैं इसके लिए ज़्यादा इसको पतला नहीं करी हूँ।
बस ये हो गया है दोस्तों। इसमें आप मनचाहे हर्ब्स डाल देना, धनिया पत्ती वगैरह डाल देना। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने का कोशिश करूँगी अपनी रेसिपी को।